मेरे प्यारे छात्रों जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी जेई 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कैसे कहां से और कब तैयारी किया जाए तो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एसएससी जेई का एक पेड लाइव बैच जिसमें हम करने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कांसेप्ट्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस एज़ वेल well एज़ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ रिकॉर्डेड सेशन विद प्रॉपर पी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे काउंसलिंग नंबर 8047108443 पे कांटेक्ट करें तो जुड़ना ना भूलें इस बैच से और विजिट करें हमारी वेबसाइट स्टोर डॉट अड्डा ट्वेंटी गुड आफ्टरनून अब्रीवन स्वागत है आपका इंजीनियर अड्डा पर मैं ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ साइंस की क्लास लेकर जिसमें दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जो कि आपके टेक्निकल एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गुड आफ्टरनून निरोज प्रसाद जी नेहा शर्मा जी अंकित पाटवर जी वेद कुमार गौतम जी अनिल सैनी जी सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कंप्यूटर जी आज का पहला सवाल लाया जाए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका आप लोग जवाब दीजिए द एनॉड इन ए ड्राई सेल कंजेस्ट ऑफ यानी किसी भी जो ड्राई सेल यानी कि जो शुष्क बैटरी होती है शुष्क सेल जो होता है उसमें एनोड एनोड किसका बना होता ये है ये आपसे प्रश्न है फटाफट आप जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर एक आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है गुड आफ्टरनून राम प्रवेश जी रितेश कुमार सोना जी पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर इसका आप लोग जवाब दें चलिए तो दोस्तों याद रखेंगे जो ड्राई सेल होता है ना बहुत बढ़िया हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका राम प्रवेश कुमार जी बी बता रहे हैं संतोष कुमार जी कॉपर बता रहे हैं नीतीश कुमार जी डी बता रहे हैं तो याद रखना है दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी यानी जिंक इज द राइट आंसर और जिंक से याद रखेंगे जिंक का जो अयस्क है दोस्तों जिंक का अयस्क क्या है दैट इज कैलामिन है ना जिंक से कई चीजें याद रखनी है जिंक ऑक्साइड जिसे हम लोग फिलोसफरबुल कहते हैं जेड एन सी एल टू जिसका यूज यसद लेपन या गेलवनाइजेशन में किया जाता है गेलवनाइजेशन का मतलब होता है आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना ठीक है ना जेड एन एस फोर यानी जिंक सल्फेट जिसे हम लोग व्हाइट वेट्रियॉल या सफेद थोथा कहते हैं ये चीज भी आप याद रखेंगे तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ठीक है तो चलते हैं हम लोग इसके बाद याद रखेंगे अगले सवाल के ऊपर द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ यानी जो फ्लैश बल्ब होता है यानी जब कैमरा देखते हैं कैमरा जब भी चलता है तो कैमरे से एक फ्लैश वाली लाइट आती है ठीक है ना तो वो फ्लैश का बल्ब जो होता है वो डिफरेंट जैसे फोन के आपके फोन में कैमरा होगा उसमें अगर फ्लैश होगा तो उसमें भी फ्लैश जो चमकता है तो उसे बोलते हैं फ्लैश लाइट लेकिन आपसे प्रश्न है उसका तार, उसका तार वायर किसका बना होता है कॉपर का बैरियम का मैग्नीशियम का या सिल्वर का फटाफट आप जवाब दें क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है वेद कुमार गौतम जी एल आरसी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे आप चिंता ना करें जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहेंगे ठीक है ना ठीक अच्छा वहां फॉग चल रहा है बहुत बढ़िया यहाँ भी फॉग ही चल रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू जब हम लोग फ्लैश बल्ब की बात करते हैं दोस्तों तो फ्लैश बल्ब का जो याद रखना है वायर वो किसका बना होता है वो बना होता है मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का बल्ब से मैग्नीशियम से ही फ्लैश बल्ब का वायर बना हुआ होता है ठीक है याद रखेंगे इसका सही जवाब क्या है दोस्तों मैग्नीशियम जो कि आपके क्लोरोफिल में भी पाया जाता है पत्तियों के क्लोरोफिल में भी क्या पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है जब हम लोग सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर से याद रखना दोस्तों इसका अयस्क है अर्जेंटाइट है ना और कौन सा ऐसा सिल्वर है जिसमें सिल्वर नहीं होता तो याद रखना जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें सिल्वर सिल्वर नहीं होता है क्योंकि वो कॉपर जिंक और निकल से मिलकर बनता है जब ऑर्न सिल्वर की बात करते हैं दोस्तों सिल्वर क्लोराइड उसे हम लोग क्या बोलते हैं हॉर्ड सिल्वर कहते हैं इस तथ्य को भी आप याद रखें जब हम लोग सामान्य बल्ब की बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं तो उसका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है और उसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इस तथ्य को भी आपने याद रखना है अब बैरियम की अगर बात करें तो याद रखना बैरियम से जो पटाखे जब आप जलाते हैं पटाखों में जो हरा रंग होता है ग्रीन कलर जो होता है ना पटाखों में की बात करते है, ये, याद का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक यानी सेकेंड बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है और मनुष्य के द्वारा फर्स्ट मेटल यूज ह्यूमंस ह्यूमन के द्वारा सबसे पहला जो धातु यूज किया गया था वो क्या है दोस्तों कॉपर है तो चलते हैं हम लोग लोग इसके बाद अगले सवाल के ऊपर कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील पायस बनाने के लिए किस हलाइड का उपयोग किया जाता है इसका आप लोग जवाब दीजिए बहुत बढ़िया अंजलि चौरसिया जी विकास कुमार जी डीएमआरसी सिविल जेई का कोर्स कब से स्टार्ट होगा ये दोस्तों आप एक बार सपोर्ट नंबर पर कॉल कर लें आपको बता देंगे वो ठीक है बिल्कुल अंजलि चौरसिया जी रेड कलर जो होता है वो स्ट्रांसियम के कारण होता है बिल्कुल सही बता रही हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन के ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील पायस बनाने के लिए किस का उपयोग करते हैं सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर सोडियम क्लोराइड फटाफट जवाब दें क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका है रवि कुमार जी भी बता रहे हैं बहुत बढ़िया बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए अंजलि चौरसिया जी भी बता रहे अनिल सैनी जी भी बता रहे हैं बहुत बढ़िया तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब है बी का ही प्रयोग करते हैं और इसी का यूज कहां पर किया जाता है? कपड़े पर इंक का दाग या जंग का दाग छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का ही प्रयोग करते हैं जो कि टमाटर या पालक जो टमाटर होता है उसके अंदर जो बीज देखते हैं ना वो ऑक्जेलिक एसिड के ऑक्जेलिक एसिड उसमें पाया जाता है या ऐसे अमरुद खाते हैं उसके अंदर भी बीज होता है भिंडी खाते हैं उसके अंदर भी बीज होता है, पाया जाता है।, है ना और याद रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड जब कैल्शियम के साथ मिलता है वो एक पदार्थ बनाता है टमाटर खाते हैं और साथ में आप दूध वगैरह जो है जिसमें कैल्शियम है कैल्शियम और जब ये ऑक्जेलिक एसिड दोनों एक दूसरे से मिलता है तो वो बनाता है एक कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है

डाइट के कारण होता है और सिल्वर क्लोराइड की हम लोगों ने बात करी इसे हॉर्न सिल्वर कहते हैं और इस सिल्वर क्लोराइड का यूज दोस्तों याद रखेंगे कहां पर होता है तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास में ऐसे चश्मे जो कि धूप पड़ने पर क्या हो जाता है काले हो जाते हैं

कोकोनट चारकोल एनिमल चारकोल सुगर चारकोल फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल अंजलि चौरसिया जी अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका आप लोग जवाब दें जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं चारकोल की तो जो जिस चारकोल का यूज सुगर सॉल्यूशन को डिकलराइज करने के लिए किया जाता है उसका यूज है उसका नाम है दोस्तों बिल्कुल नीरोज प्रसाद जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका right इसका सही उत्तर उत्तर क्या है है? दोस्तों? करेक्ट होगा, ठीक तो चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर कंप्यूटर जी अगला सवाल हिलियम गैस इज फिल्ड इन बलून बिकॉज इट इज इज टू इट इज लाइटर देन एयर इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर इट इज नोबल गैस वाई वी यूज हिलियम गैस इन अ बलून फटाफट जवाब दें हीलियम गैस का यूज बलून में क्यों किया जाता है बहुत बढ़िया जागृति सोनी जी राजा पटेल जी रवि कुमार जी बहुत शानदार बहुत शानदार जवाब दे रहे वेद कुमार गौतम जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन के ऊपर इसका जवाब दीजिए हीलियम गैस को बलून में क्यों फिल किया जाता है प्रेम कुमार जी बिल्कुल आप स्टोर डॉट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर जाएं वहां पर आप पेड कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप आ, नंबर भी आप वहां से नंबर भी आपको मिल जाएगा उस पर आप कॉल करके खरीद सकते हैं ठीक है पेड कोर्स लेना है तो बिल्कुल इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी इट इज लाइटर देन एयर यानी ये हवा से क्या होता है हल्का होता है इसलिए इसको बलून में यूज किया जाता है ठीक है ना ये हवा से क्या होता है हल्का होता है तो इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले सवाल के ऊपर अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका जवाब दिए पास्चुराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड टू पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है साठ डिग्री सेल्सियस पर दस मिनट के लिए बासठ डिग्री पर बीस मिनट के लिए बासठ डिग्री पर तीस मिनट के लिए बहत्तर डिग्री पर दस मिनट के लिए फटाफट जवाब दें क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल हाइड्रोजन जो होता है इनफ्लेमेबल होता है बहुत बढ़िया और सबसे स्वच्छ ईंधन भी हाइड्रोजन ही होता है यह भी याद रखेंगे जैसे हम लोग

बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन के ऊपर इसका आप लोग जवाब दें पॉलीमर पॉलीमर दोस्तों जिससे बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मोनोमर कहते हैं ठीक है ना नाइलॉन के बारे में याद रखेंगे ये मनुष्य के द्वारा सबसे पहला निर्मित आ, फाइबर था सबसे पहला मैनमेड जो पॉलीमर था वो था नाइलॉन बैकलाइट की जब बात करते हैं दोस्तों तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो निर्मित प्लास्टिक था वो कौन था दोस्तों बैकोलाइट और बैकलाइट का यूज कहां पर करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे जो आपके बर्तन के जो हैंडल होते हैं कुकर हो चाहे आपके फ्राई पैन हो उसका जो हैंडल बना होता है वो किससे से से बना होता है। और जो होता है 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 और जो दोस्तों इसी से क्या बनता है? प्लास्टिक का बर्तन बनता है यानी कि इसका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑप्शन डी डी इज द राइट आंसर मेलामिन यहां पर करेक्ट उत्तर होगा ना कि बैकलाइट बैकेलाइट से इलेक्ट्रिक स्विच और याद रखेंगे बर्तनों के हैंडल वो किससे बनते हैं बैकेलाइट से बकेट जो

पॉलीथिन इिनपिन एसिटिलीन या एनिलीन जब हम लोग दोस्तों यहाँ पर एसिटिलीन की बात करते हैं तो एसिटिलिन का फॉर्मूला होता है सी टू एच टू जिसका यूज कहाँ पर होता है गैस वेल्डिंग में है ना इसके बाद फलों को फ्रूट्स को आर्टिफिशियल रूप से पकाने में फ्रूट को कृत्रिम रूप से पकाने में आर्टिफिशियली पकाने में रूप से पकाने में किसका यूज करते हैं दोस्तों सी टू एच टू यानी कि किसका इसी एसिटिलीन का यूज़ करते हैं ठीक है ना और याद रखना है दोस्तों तो एसिटिलीन बनता कैसे तो कार्बन सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी डालते हैं ना ये क्या बनाता है सी ए ओ और क्या बनाता है सी टू एच टू यानी एसिटिलीन और क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो सही उत्तर है पॉलीथिन पॉलिथिन जो है बहुलक है है वो किसका एथिलीन का या नाम ही देखिए क्या है पॉलीथिन क्या नाम है polythene नाम में ही लगा है poly, लगा है है पॉली और क्या एथिन तो इससे आप समझ सकते हैं कि, कि किसका पॉलीमर है एथिन का और इसे ही दोस्तों हम लोग एथिलीन भी कहते हैं क्या बोलते हैं एथिलीन जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सी एच टू एसिड सी एच टू ठीक है ना या इसे हम लोग सी टू एच फोर भी कहते हैं ठीक है ना क्लियर पॉइंट तो ये किसका जो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए और पॉलीथीन का यूज कहां पर होता है पॉलीबैग्स बनाने में ठीक है ना प्लास्टिक के थैले बनाने में किसका यूज करता है पॉलीथिन का यूज करते हैं ठीक है चेके? और पीवीसी की जब बात करते हैं पीवीसी जो होता है दोस्तों पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी थर्मोप्लास्टिक है पॉलिस्टर भी थर्मोप्लास्टिक है पॉलिस्टरीन भी थर्मोप्लास्टिक है और पॉलीथिन भी थर्मोप्लास्टिक है बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन है दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बैकेलाइट मेलामिन और टेफलॉन टेफलॉन जो नॉन स्टिक जो यूटेंसिल होते हैं वो किससे से बनाए जाते हैं और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, ठीक है तो चलते हैं इसके बाद अगले सवाल के ऊपर अगला सवाल जाए, कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर ऑफ बाय यानी कि शराब और पानी के मिश्रण को अलग अलग किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा डिकेंटेशन कैंटेशन डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन सब्लिमेशन यानी उर्ध्वपातन जिसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन दोस्तों वह प्रक्रिया है जिससे किसी सॉलिड किससे सॉलिड जो होता है ना सॉलिड से जब किसी इंप्योरिटी को अलग करना होता है ऐसे सब्लिमेट मटेरियल जिसमें कोई इंप्योरिटीज मिली हो तो उसको अलग करने के लिए सब्लिमेशन का यूज करते हैं जैसे कपूर से अगर कोई कपूर के अंदर कोई अगर मिक्स इंप्योरिटी uh, मिला हुआ है उसे अलग करना तो उसके लिए किसका यूज करेंगे सब्लिमेशन का यूज करेंगे ठीक है ना सब्लिमेट मटेरियल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस में सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं उसे हम लोग सब्लिमेट मटेरियल कहते हैं यहां पर जो इसका सही जवाब है दोस्तों दैट इज याद रखेंगे आश्वन या डिस्टिलेशन या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जिसे हम लोग दोस्तों है बोलते हैं दोस्तों आशवन विधि ठीक है ना इसी विधि के द्वारा अल्कोहल और पानी के मिश्रण का यूज करते हैं अल्कोहल जो होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला है जो शराब होता है 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 जिसे हम लोग बोलते हैं हैं इथाइल अल्कोहल या इसे ही क्या कहा जाता इथेनॉल भी कहते है। ठीक है यहाँ समझ में आ गया बहुत बढ़िया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिल्कुल अंजलि चौरास जी बिल्कुल सही जवाब है ठीक है बिल्कुल नियोज प्रसाद जी जिसके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत क्या होता है डिफरेंस होता है उसे अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बहुत शानदार जवाब अगले सवाल पर कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप मेटल इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन अलॉय ऑफ प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त धातु एक प्रकार के मिश्र धातु है जो टाइप मेटल होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है आपको यह बताने लेड एंड कॉपो लेड एंड एंटीमनी लेड एंड या लेड एंड जिंक लेड की जब बात करते हैं तो लेड जो होता है दोस्तों वो किससे मिलकर बना हो तो वो लेड जो होता है लेड का अयस्क क्या होता है लेड का अयस्क होता है गैलेना आप जानते हैं इस चीज को ठीक है ना अब ये बताइए टाइप मेटल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है फटाफट जवाब क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है ठीक है शोल्डर मेटल के बारे में जानते हैं ना आप लोग शोल्डर मेटल जो होता है वो किससे बना होता है पीवी और एस जिस से जिससे कि हम लोग फ्यूज वायर भी बनाते हैं यानी कि सीसा और टिन सीसा और टिन से मिलकर क्या बनता है हमारा शोल्डर मेटल बनता है जिससे हम लोग फ्यूज वायर भी बनाते हैं लेकिन जब हम लोग सीसा पीबी और एस बी एस बी का मतलब क्या है दोस्तों एंटीमनी यानी सीसा और जब एंटीमनी को मिलाते हैं पीबी और एंटीमनी के मिलने से क्या बनता है दोस्तों टाइप मेटल बनता है जिसका यूज हम लोग प्रिंटिंग प्लेस के अंदर करते हैं इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर है पॉइंट ठीक है इसका सही उत्तर है दोस्तों एंटीमनी एंटीमनी का जो का है दोस्तों याद रखेंगे इस दो ऑफ हाँ किसी को कोई भी दुविधा हो किसी तरह की परेशानी हो पूछ सकते हैं अगले सवाल पर कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका आप लोग जवाब दीजिए अगला सवाल सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड जल्दी से जवाब दें क्वेश्चन नंबर अलेवन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिक एसिड बहुत बढ़िया सैनी जी बिल्कुल सही जवाब है राम प्रवेश जी बहुत शानदार चिंटू कुमार जी डी बता रहे हैं निरोज प्रसाद जी ए बता रहे हैं कमल जी फॉर्मिक एसिड बता रहे हैं नेहा शर्मा जी ए बता रहे हैं देखिए दोस्तों जो कोका कोला होता है उसमें जलन जलन यानी कि उसके अंदर जो थोड़ा पीते हैं तो गले में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना वो जलन जो होती है ना वो किसके कारण एच टू थ्री एस टू सीओ थ्री या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड यह बनता कैसे जब एच टू और सीओ टू ये दोनों मिलता है ना पानी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो वो क्या बना देता है एस टू सीओ थ्री बना देता है जिसके कारण जलन होती है इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और खट्टापन जो होता है शॉर्ट टेस्ट जो होता है वो किसके कारण होता है याद रखना है एच थ्री पीओ फोर या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड के कारण क्या होता है हमारे कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है दोस्तों खट्टापन होता है इस तथ्य को आप याद रखेंगे और जब हम लोग एस की बात करते हैं एस सी ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉगेस्ट एसिड है इसे ही दोस्तों एक नाम से जानते हैं जिसे जिसे कहते 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 हैं क्या कहते हैं जिसे? कहते हैं एसिड एसिड क्या और फॉर्मिक एसिड के बारे में आपको पता है किसम लाल चीटियों में मधुमक्खियों में पाया जाता है जब चींटी की बात करते हैं चीटी यानी आंट आंट या लैल आंट की स्टडी यानी चीटियों के अध्ययन को मारमेकोलॉजी कहा जाता है मरमेकोलॉजी जबकि मधुमक्खी जो होता है मधुमक्खी के पालन को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग एपिकल्चर कहते हैं आप जानते हैं इस चीज को तो चलते हैं इसके बाद अगले सवाल के ऊपर अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका आप लोगों को जवाब देना धूमरपान वन बन बनाने में यानी कि जो आपका स्मोक बम जो होता है स्मोक बम बनाने में किसका यूज किया जाता है सल्फर का फास्फोरस का हाइड्रोजन का कार्बन का फटाफट जवाब दें इस स्मोक बम बनाने में किसका यूज किया जाता है कार्बन हाइड्रोजन फॉस्फोरस सल्फर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपके स्क्रीन के ऊपर चलिए यहाँ पर हमारे पास जवाब आना सूरज का और बिल्कुल चिंटू जी रामप्रवेश जी इंताज अंसारी जी कमल जी अंजलि चौरसिया जी बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कार्बन का यूज किया जाता है किसमें धुनपाण बनवाने में जो स्मोक बॉम्ब्स होते हैं उसमें किसका कार्बन का हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलता है सूर्य और तारों के अंदर जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन के कारण ही होती है जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों फास्फोरस तो फास्फोरस में याद रखेंगे जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो अत्यंत ज्वलनशील होता है इसलिए उसे जल में डुबा कर रखते हैं जबकि रेड फास्फोरस लाल फास्फोरस का यूज माचिस की तीलियों पर किया जाता है जब हम लोग बात करते हैं सल्फर की सल्फर जो होता है दोस्तों इसका यूज किसमें करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ यानी रबड़ के वल्कनीकरण में किसका यूज करते हैं सल्फर का यूज करते हैं इसको भी आपने याद रखना है ठीक है तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल के ऊपर अगला सवाल

से क्या है? करते हैं ड्रॉ करते हैं आइसोनेफ जो होता है वो बराबर बादल के उसको दर्शाने के लिए आइसोनेफ का प्रयोग किया जाता है जैसे बराबर दाब को आइसोबार यूज करते हैं बराबर दाब के लिए बराबर टेम्परेचर के लिए आइसोथर्म का यूज़ करते हैं उसी तरह बराबर क्लाउड की मात्रा के लिए हम लोग आइसोनेफ का यूज़ करते हैं ये तथ्य भी याद रखेंगे और क्लाउड जो होता है ये किसका किसका कोलाइडल सोल्यूशन होता है याद रखना ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसका याद रखेंगे वाटर ड्रॉप्स इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर डी इज द राइट आंसर बिल्कुल अंजलि चौरसिया जी अमेजिंग फैक्ट्स जी संतोष कुमार जी नीरोज जी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इसका ऑप्शन डी तो अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्कोसिटी, बॉयल्स बॉइल्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स या टेंशन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका आप लोग जवाब दीजिए बहुत बढ़िया राम प्रवेश जी बिल्कुल सही जवाब है चलिए फोर्टीन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग सरफेस टेंशन जो होता है बॉल पेन जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है किस सिद्धांत पर काम करता है पृष्ठ तनाव पर काम करता है हमारा जो बॉल पेन होता है ठीक है ना तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी की जब बात करते हैं तो विस्को सिटी का जो यूनिट होता है दैट इज इज पॉइज पॉइज द यूनिट ऑफ विस्को सिटी आप याद रखेंगे अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पिकनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द यानी पिक्नोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं ये आपसे सवाल है डेंसिटी को इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक या हाई टेंपरेचर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका आप लोग जवाब दीजिए बहुत बड़ी जागृति सोनी जी इंताज अंसारी जी अनिल सैनी जी निज प्रसाद जी वेद कुमार गौतम जी संतोष कुमार जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है पर इसका जवाब दीजिए जब हम लोग यहां पर बात करते हैं हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वैक इसको मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं लेकिन वहां पर जो स्केल होता है जिस स्केल पर इंटेंसिटी को मेजर करते हैं वो होता है रिक्टर स्केल सोलर रेडिएशन की जब इंटेंसिटी की बात करते हैं उसके लिए फोटोमीटर डिवाइस का यूज करता है लेकिन पोटोमीटर फोटोमीटर एंड पोटोमीटर बहुत डिफरेंट फोटोमीटर से इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन पोटोमीटर से क्या मेजर करता है रेट ऑफ ट्रांसपाइरेशन वास्पोत सर्जन के दर को पोटोमीटर से मेजर करते हैं ठीक है डेंसिटी की जब बात करते हैं तो हमारा क्या है दोस्तों पिक्नोमीटर पिक्नोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग डेंसिटी यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं घनत्व इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब है इंदाज अंसारी जी नेहा शर्मा जी अनिल सैनी जी अमेजिंग फैक्ट्स जी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इसका डेंसिटी ठीक है अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को या स्पीड को फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है बहुत बढ़िया तेज सिंह जी बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपके स्क्रीन के ऊपर इसका आप लोग जवाब दें ये देखिए वेलासिटी है ये मतलब ग्राफ है जिसमें कि ये मान के चलिए टाइम है ये वेलासिटी है तो वैलासिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो क्या टी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों दोस्तों एक्सलरेशन यानी त्वरण त्वरण इज द राइट आंसर ठीक है ना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्लाउड की स्पीड दीपक कुमार रवि जी नेफोमीटर नेफोमीटर से मेजर करते हैं ठीक है ना नेफोमीटर से मेजर करते हैं ठीक है इज द राइट आंसर अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी अगला सवाल द टाइम ऑफ मिरर टाइप ऑफ ऑफ मिरर्स यूज्ड इन द हेड लैंप ए कार इज यानी कि जो कार का जो हेड लैंप होता है उसमें किस प्रकार के मिरर का प्रयोग करता है पैराबोलिक कॉनकेव प्लेन स्फेरिकल कॉनकेव या सिलेंड्रिकल कॉनकेव किसका यूज किया जाता है कार के हेडलाइट में किसका यूज करते हैं यह आपको बताना है जल्दी से फटाफट बताएं दोस्तों

सेविंग uh, मिरर होता है सोलर कुकर होता है जो आपका जो दांतों का डॉक्टर होता है जो आपका उसके बाद हेड मिरर के रूप में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है इसी कौन के मिरर का ही प्रयोग होता है

ठीक okay. है चलिए क्वेश्चन नंबर एटीन इसका आप लोग जवाब दें प्रिज्म में प्रकाश का जो विभाजन होता है ना कितने रंगों में होता है दोस्तों प्रिज्म ये है इसमें प्रकाश को विभाजित कीजिए कितने रंगों में हो जाएगा सात रंगों में वेब ग्योर सबसे ज्यादा वेब किसका रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका रेड का इसलिए सबसे कम डेविएशन रेड का इसका सबसे सबसे कम सब ज्यादा इसलिए वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है और इस प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ना इसे क्या बोलते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डिस्पर्सन ऑफ लाइट बिल्कुल राजा पटेल जी इंताज अंसारी जी बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल करेक्ट उत्तर दे रहे हैं बी इज द राइट आंसर नीरोज प्रसाद जी नेहा शर्मा जी अंजलि चौरसिया जी बहुत बढ़िया तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल पर कंप्यूटर जी अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर द टर्म देखिए अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी वही सवाल आपके सामने आ गया है बताइए जो बताया आपको वही सवाल आपके सामने आ चुका है द टर्म आइसोन इंडिकेट्स द लाइन्स ऑफ इक्वल क्लाउडीनेस सैलिनिटी रेनफॉल या प्रेशर प्रेशर जो होता है दोस्तों जो समान प्रेशर वाले क्षेत्र को मेजर करने बताने के लिए आइसोबार का यूज करते हैं समान सैलिनिटी वाले को मेजर करने बताने के लिए आइसो का यूज करते हैं ठीक है ना तो समान बादल वाले क्षेत्र को नाम समान मतलब जो बादल वाला क्षेत्र होता है ना उसे बताने के लिए किसका यूज करते हैं आइसोनेफ का यूज करते हैं अभी अभी आप लोगों को बताया गया था आप लोगों से हमारा प्रश्न है समान वर्षा समान रैन वाले क्षेत्र को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है आप लोग कमेंट में बताइए समान रैन वाले क्षेत्र को बताने के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग ये कमेंट में बताएं बहुत बढ़िया अंजलि चौरसिया जी अनिल सैनी जी बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट उत्तर दे रहे हैं आप लोग ठीक है बहुत बढ़िया बताइए आप लोग समान वर्षा वाले क्षेत्र को बताने के लिए आइसो हाइट्स बहुत बढ़िया जागृति सोनी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है आइसोहाइट्स का यूज किया जाता है समान रेन वाले क्षेत्र को बताने के लिए ठीक है आइसोरेन नहीं राजा पटेल जी आइसोहाइट्स ठीक है ना अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सनग्लासेस सनग्लासेस के लिए किसका यूज करता है पायरेक्स ग्लास फ्लिंट ग्लास क्रूस ग्लास क्रिस्टल ग्लास फटाफट जवाब दें किस कांच का यूज किया जाता है सनग्लास को बनाने के लिए सनग्लास को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं पायरेक्स का फ्लिंट का क्रूस का क्रिस्टल का चलिए तो, तो स्वागत है आपका सुमन पांडे जी इंजीनियर सड्डा पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तुरंत ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल लाइव चल रहे हैं सुमन पांडे जी आपके साथ हम स्टूडियो से ठीक है तो इसका सही जवाब है दोस्तों फ्लेंट नहीं। फ्लेंट नहीं से तो क्या बनता है आगे देखेंगे इसका सही जवाब है क्रूक्स ग्लास है ना क्रूक्स ग्लास का ही यूज किया जाता है धूप के चश्मे बनाने में तो अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लेंस इज मेड अप ऑफ लेंस जो होता है वो किससे बना होता है आपको ये बताना है पायरेक्स फ्लेंट ऑर्डिनरी कोबाल्ट कोबाल्ट से याद रखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज दोस्तों सीसे को ब्लू कलर प्रदान करने के लिए करते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड का लेंस इज अप ऑफ लेंस किससे बना होता है आप लोग ये बताएं पायरेक्स ग्लास फ्लेंट ग्लास ऑर्डिनरी ग्लास कोबाल्ट ग्लास और बहुत बढ़िया और सभी बच्चे धन्यवाद सुमन पांडे जी बहुत बढ़िया सुमन पांडे जी बहुत बढ़िया चलिए इसकी बात करते हैं तो ये बिल्कुल अब यहां पर जो है इसका सही जवाब है दोस्तों क्या फ्लिंट क्लास इज द राइट आंसर यहां पर इसका जवाब जो होगा दैट इज फ्लिंट क्लास ठीक है तो चलते हैं अगले सवाल पर कंप्यूटर जी अगला सवाल लेंस की क्षमता किसमें मेजर करते हैं डायोप्टर में आपको पता है ये चीज द नेचर ऑफ फ्यूज वायर फ्यूज वायर जो कि किससे लेड और टेन से मिलकर बनता है उसका नेचर कैसा हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक करंट के किस इफेक्ट पर वर वर्क करता है दोस्तों थर्मल इफेक्ट ऑफ वर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला यंत्र है और ये जो होता है इसका क्या होता है हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट फटाफट इसका जवाब दें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत बढ़िया बिल्कुल लक्ष्मण कश्यप जी इंताज अंसारी जी बिल्कुल सही जवाब है उसका फ्लिंट ग्लास इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आप लोग जवाब दें और आप लोगों की तरफ से बिल्कुल सही जवाब आ रहा है रेजिस्टेंस क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों लो तभी तो वो क्या होता है ब्रेक हो जाता है थोड़ा सा ही गर्म होता है तो वो ब्रेक हो जाता है और पूरा जो घर के जो यूटेंसिल्स घर के जो मतलब उपकरण होते हैं वो सभी उपकरण क्या होते हैं बचे रह जाते हैं ठीक है ना सेफ रहते हैं ठीक तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ

ए कॉर्नर ऑफ रूम इट्स ऑर्डर इज फेल्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम दिस इज ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ जब कमरे की गंद कमरे में एक आ, मतलब बोतल गंद की बोतल खुली रख दी जाती है तो वो पूरे रूम में फैल जाता है इसका क्या कारण है इवापोरेशन वेपराइजेशन डिफ्यूजन या सब्लिमेशन फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका जवाब दें और दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं इसकी तो इसका सही जवाब है दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी यानी डिफ्यूजन इज द राइट आंसर ठीक है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रसार कहते हैं इसी प्रक्रिया के कारण क्या होता है पूरे रूम में वो हमारा

अंडर रूट होगा तो यहां पर उसका अगर वो बढ़ जाएगा टाइम पीरियड क्या होगा सॉरी टाइम पीरियड भी घट जाएगा बढ़ेगा नहीं सॉरी टाइम पीरियड घट जाएगा तो टाइम पीरियड घटने से दोस्तों क्या क्या होगा होगा वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा यानी कि जो उसकी किसी है वो क्या होती जाए बढ़ जाती है ठीक है करेक्ट है इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर ठीक है बी इज द राइट आंसर कैसे तो आपको पता चल गया है बिल्कुल इंक्रीज करेगा ठीक है बिल्कुल डेली होती है विकास कुमार जी डेली होती है क्लास एक बजे से दो बजे के बीच ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के के ऊपर, पृथ्वी पृथ्वी वायुमंडल की की कौन सी परत परत सतह पर रेडियो तरंगों को वापस कर देती है? इस्वेर, इस्वेर, मेजो इस्वेर, इस्वेर. पांच होती है पांच होती हमारे वायुमंडल में सबसे पहला जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं दूसरा स्ट्रेटोर होता है तीसरा मेजोस्फेयर होता है चौथा आइनोस्फेयर होता है और सबसे ऊपर जो होता है ठीक है तो जो हमारा

ठीक है क्लियर अप पॉइंट बहुत बढ़िया बिल्कुल निरोज जी कमल जी लक्ष्मण जी राजा पटेल जी अंजलि चौरसिया जी बहुत शानदार इंतताज अंसारी जी अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ जो क्लियर नाइट होते हैं वो क्लाउडी uh, नाइट से क्या होता है ज्यादा क्लियर होते हैं ऐसा क्यों बिकॉज ऑफ कंडक्शन कंडेंसेशन रेडिएशन या इंसुलेशन बहुत बढ़िया अपना कुमारी जी अवि कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का सीमा डी जी बहुत बढ़िया बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन याद रखेंगे जो क्लियर नाइट जो होता है ना वो कोल्डर जो होता है क्लाउडी नाइट से वो किसके कारण तो ड्यू टू रेडिएशन रेडिएशन क्यों क्योंकि जब क्लियर नाइट रहेगा तो वहां पर विकरण क्या होगा ज्यादा जल्दी होगा ठीक है ना इसलिए वो क्या होता है कि जो हीट होता है ना वो बाहर चला जाता है अर्थ के जो हीट होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है रेडिएशन के कारण तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी सी इज द राइट आंसर जबकि क्लाउडी नाइट जो होता है एंड नाउट में रेडिएशन सही से होगा नहीं क्योंकि क्लाउड क्या करेगा रेडिएशन में बाधा लाएगा ठीक है तो इसलिए यहां पर जो क्लियर नाइट होता है वो ज्यादा कोल्डर होता है ठीक है तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल सवाल के उपर, अगला आपके के ऊपर ऊपर अगला आपके स्क्रीन आ चुका है इसका जवाब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट यानी कि जब किसी पानी में डिटर्जेंट को देंगे मतलब सर्फ वगैरह डालेंगे तो उससे क्या होगा उसका सर्फेस टेंशन बढ़ेगा घटेगा नो चेंज या बिकम जीरो बहुत शानदार बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे लाल पटेल जी अपर्णा कुमारी जी लक्ष्मण जी सैनी जी विकास जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग डिटर्जेंट को जोड़ने पर पानी की सतह का जो तनाव होता है यानी कि जो सरफेस टेंशन होता है याद रखेंगे वो क्या हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है यानी कि घट जाता है ठीक है बिल्कुल सही जवाब है इसका डिक्रीज हो जाता है अवि जी रवि जी रंजीत जी जागृति सोनी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इंक्रीज नहीं होता बेटा बल्कि क्या होता है घटता है इस चीज़ को याद रखेंगे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ठीक है इमताज अंसारी जी बिल्कुल सही जवाब है सिविल लेबोरेटरी जी अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका जवाब कैचिंग बॉल ए प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द फोर्स यानी कि कोई भी आपने कैच देखते अगर क्रिकेट आप लोग देखते ही होंगे और वहां पर जब आप देखते होंगे कैच लेते समय खिलाड़ी जो अपने हाथ को है ना ऐसे पीछे की तरफ करता है ऐसा क्यों करता है किसको कम करने के लिए करता है फोर्स को मोमेंटम को इम्पल्स को या कैचिंग टाइम को तो यहां पर देखिए जब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एम बी ठीक है ना यानी कि जितना वेलोसिटी जैसे जैसे आगे आएगा बोल तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम होगी और वेलोसिटी कम होगी तो दोस्तों उसका मोमेंटम भी क्या होगा कम होगा यानी कि वहां पर क्या है वो किसको कम करने के लिए करता है मोमेंटम को कम करने के लिए वो अपने हाथ को क्या करता है पीछे की तरफ खींचता है यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दैट इज इज ऑप्शन बी द राइट आंसर लक्ष्मण जी अंजलि जी विकास जी निरोज जी रंजीत कुशवाहा जी सिविल जी रामप्रवेश जी प्रशांत जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे सभी बच्चे अनिल सैनी जी नेहा शर्मा जी बहुत अच्छे अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका आप लोग जवाब दीजिए निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व कम है फ्रेश वाटर का सॉल्ट वाटर का पेट्रोल का या मरकरी का सबसे कम घनत्व किस पदार्थ का है आपको ये बताना है जल्दी से जवाब दें क्वेश्चन नंबर थर्टी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है बहुत बढ़िया प्रशांत मिश्रा जी संतोष कुमार जी सुमन पांडे जी बहुत शानदार किस पदार्थ का घनत्व सबसे कम होगा डेंसिटी इसमें से किस पदार्थ का सबसे कम है आप लोगों को यह बताना है तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सबसे कम डेंसिटी होती है वो किसकी होती है पेट्रोल की होती है जिसका फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं हैं भी कहते है, जिसको हम लोग दोस्तों जिसका होता है जिसकी गुणवत्ता हम लोग किसमें मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर में, में मेजर करते हैं और ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए दोस्तों किसका यूज करते हैं टीईएल टी ई एल यानी टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए यानी कि पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ठीक है और यहीं से याद रखेंगे इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहां पर है दोस्तों, है दोस्तों दोस्तों देहरादून में स्थित इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे रखेंगे तो आज के रखेंगे. आज के के लिए हम लोग इतना ही जो इंपॉर्टेंट सवाल थे उसे हम लोगों ने देखा बाकी के और भी महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास के अंदर तब तक के लिए आप लोगों को मजा आया है तो लाइक करेंगे आप लोग सभी बच्चे लाइक करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो इंजीनियर सड्डा को अभी के अभी क्या करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे ठीक है तो मिलता है दोस्तों हम लोग अगली क्लास के अंदर आ, नए सवालों के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ नए तथ्यों के साथ तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें एंड हैवे गुड डे तो मेरे प्यारे छात्रों जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी जेई 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कैसे कहां से और कब तैयारी किया जाए तो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एसएससी जेई का एक पेड लाइव बैच जिसमें हम करने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कांसेप्ट्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस एज़ वेल well एज़ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ रिकॉर्डेड